हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया दोस्तों। आज के हम लोग इस लेक्चर में शुरू करेंगे पैरेललोग्राम में। जैसा कि हम लोग देखे थे कि प्रूव करना था कि दो वेक्टर के बीच के एंगल थीटा हो, तो हम लोग को प्रूव करना था कि जो उसका रिजल्टेंट होगा वो होगा रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा। इस बात को हम लोग प्रूफ करने चल रहे थे, ठीक है? तो आप लोग क्या करो, पीछे के लेक्चर सारे देख लिए हो आप लोग, क्लियर होगा? तो अगर कोई डाउट नहीं है तो बस आज के लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए और डिस्ट्रैक्शन को दूर कर लीजिए। अगर आसपास कुछ डिस्ट्रैक्शन है, आप शांति से थोड़ा देर मन लगा के हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी कि हम लोग को प्रूफ करना था कि किसी पैरेललोग्राम में, हम लोग को क्या प्रूव करना था दोस्तों, कि किसी पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों इक्वल टू छूटा हुआ है रिजल्टेंट, यहाँ पे दोस्त एक वेक्टर का सिंबल भी नहीं होगा। दो बात ध्यान दीजिएगा, हालांकि हम लोग अभी चलते हैं काम करने, तो आपको वहाँ आइडिया लग जाएगा कि क्या कहना है। रिजल्टेंट यानी ये या आर के ऊपर ये लाइन नहीं होगा क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड होगा। तो दोस्तों रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये नहीं होगा एरो, और रिजल्टेंट इज इक्वल टू ये होता है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड जो होता है दोस्तों वो रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा, ये हमें प्रूव करना है। इसमें जो प्रूफ किया हुआ है हम लोग उसको छोड़ दें, क्योंकि आपको हम लोग जो प्रूफ करने वाला उसको अलग से कर ही लेते हैं, ठीक है? तो चलिए हम एक न्यू पेज ले लेते हैं जहाँ पे आपको सिखाते हैं कि कैसे प्रूव करना है हमें। ओके दोस्तों, आप लोग ध्यान देखिएगा। दोस्तों हम लोग क्या करना है कि हेडिंग लगा लीजिएगा ये, ठीक है? प्रूव दैट, है ना, रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ये दोस्त हेडिंग लगा लीजिएगा, ये हमें रिजल्टेंट में प्रूफ करना है, ठीक है? तो ऐसे हम लोग ये लिखेंगे और हम लोग चालू होंगे हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ दोस्तों हम लोग को सोल्यूशन करना है, ये चीज़ प्रूव करना है। लेट अगर हम मान लेंगे रिजल्टेंट बराबर आर, वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू दोस्तों हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, ठीक है? क्या प्रूफ करना है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगर F1 F2 दो वेक्टर मानते तो क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा, ठीक है दोस्तों? ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आराम से एक सिंपल सा पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये रहा हम लोग का पैरेललोग्राम, ठीक है? और इसमें ये डिफरेंट कलर से बनाते हैं थोड़ा सा, जिससे मजा आए हम लोगों को। ठीक है, ये रहा ये हम लोग का पैरेललोग्राम दोस्तों, ठीक? अब दोस्तों इसमें हम लोग को आइडिया ये है कि दो वेक्टर हम लोग लेना है। दो वेक्टर आपको बताया थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, कि अगर 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 किसी पैरेललोग्राम में उसका दो एडजेसेंट साइड, है ना, किसी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके डायगोनल क्या बताएगा, उसके रिजल्टेंट को। अपेक्षा करते हैं कि अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको ये बातें अच्छे से याद हो गई हैं। चलिए तो अब बात करते हैं कि दोस्तों ये क्या होगा, ये वाला लाइन क्या होगा दोस्तों, ये रिजल्टेंट होगा या डायगोनल क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ये बात क्लियर है?
और हम लोग माने कि भाई ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इतना तो हम लोग जान रहे हैं। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर की ये जो लंबाई होगा ए के मैग्नीट्यूड को बताएगा, ये जो लंबाई होगा वो बी के मैग्नीट्यूड को बताएगा, और ये जो रिजल्टेंट आर होगा ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये चीज़ें हम लोग देख रखे थे। अब दोस्तों इसमें एक अजम्पशन और हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ए और बी जो वेक्टर है उसके बीच का एंगल जो था वो एंगल था थीटा, कितना थीटा। ठीक, अब चलिए इतना तक तो ये बेसिक फिगर है जो आपको ड्रॉ कर लेने हैं और ये आपको समझ में आ भी रहे होंगे। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना कि जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोस्तों मैग्नीट्यूड इसी बात को अगर हम लोग लिखे तो ऐसे भी लिख सकते थे आर का मॉड, क्या लिख सकते थे आर वेक्टर का मॉड, मॉड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी यह लंबाई की बात करें वो कितनी होगी। दोस्तों अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये वेक्टर ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना होगा ए, क्या होगा ये पूरा ए, ये मैग्नीट्यूड पूरा यहाँ से यहाँ कितना होगा ए, ठीक है। अच्छा इसका ये मैग्नीट्यूड कितना होगा बी। अच्छा दोस्तों अगर ये लंबाई बी है तो पैरेललोग्राम है तो ये लंबाई कितना होगा दोस्तों, ये भी क्या होगा बी। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि हम ये सिर्फ लंबाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट चाहिए तो हमको ये लंबाई कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। दोस्तों अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा लेते, ये लंबाई हमें ए पता है, ये बी पता है, हमको ये आर लंबाई निकालना है, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, ये आर मैग्नीट्यूड निकालना है ये वाला, ठीक है क्लियर। अब चलिए इसमें थोड़ा सा आप एक चीज़ कीजिएगा, वो क्या करना है हम लोगों को, वो ये कि इसमें थोड़ा सा एक हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे, 90 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे और कलर चेंज कर ले और थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। देखिए ध्यान से हमारा अलग अलग कलर से इसलिए कर रहे हैं कि क्या होता है कि आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया लगते रहे, ठीक है। दोस्तों ये 90 डिग्री यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, ये परपेंडिकुलर डाल दिए और इसको एक्सटेंड कर दिए। अब दोस्त ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, ये लंबाई ये तो ए है क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ये ए है दोस्तों, ये वाला जो लंबाई है ये बी है, ठीक है, ये है बी, ठीक, हमें अब कोई दिक्कत नहीं था। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि अगर ये पूरा थीटा है, ध्यान दीजिएगा, और ये हमें फाइनली हम लोग का दोस्त मोटो क्या है, मतलब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते ये हैं कि ये लंबाई निकल जाए, वही मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, तो हम चाह रहे हैं कि ये लंबाई निकल जाए, बस काम अपना क्लियर। तो इसके निकालने के लिए हम लोग जुगाड़ किए, तो जुगाड़ में ये वो जुगाड़ क्या हुआ कि 90 डिग्री बना लिए यहाँ से, ये समझ में आ गया। अगर 90 डिग्री बना लिए तो हम समझ गए कि अगर राइट एंगल ट्रेंगल वाला फॉर्मूला लगा लिए ना तो निकल जाएगा। राइट एंगल ट्रेंगल क्या कहता है भाई, राइट एंगल ट्रेंगल में जो हम लोग पता है कि एक रिलेशन होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर, यानी जो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है, वो वाला से हमको ये निकल सकता है ये लंबाई। तो हम लोग समझे इस बात को, तो हम लोग सोचे क्या यहाँ से, ऐसे भी आपको याद अभी ऐसे ही रखना है कि अब हम लोग सोचे क्या कि अगर जब इतना करिए लिए तो ये लंबाई पता है, ये पता चल जाता और ये पता चल जाता तो हम ये आराम से उस फॉर्मूला से निकाल पाते और वही हम लोग को करना भी है और उसी से ये फॉर्मूला प्रूव भी हो जाएगा। तो अब बात सोचते हैं यहाँ से आगे थोड़ा सा कि अगर ये हमको चाहिए तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये एंगल अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा दोस्तों, तो सोच कर देखो ये क्या आएगा, ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा दोस्तों, ये भी थीटा होगा। सिंपल सा बात है दोस्तों, एक ही लाइन पे जब दो पैरेलल लाइंस होंगे तो ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है एक ही लाइन पे, इस वाले लाइन पे दोनों पैरेलल लाइन है तो दोस्तों पैरेलल लाइन कब होगा, जितना से ये झुकल होगा उतने से ये झुकल होगा तब ना पैरेलल लाइन बनेगा, ना तो ये अलग होगा तो पैरेलल लाइन बनेगा नहीं करेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जितना जितना पर ये झुका हुआ होगा उतना ही पे ये झुका होगा तभी तो दोनों पैरेलल होगा, है ना, तो जितना एंगल से ही होगा उतना ही एंगल से ही होगा तभी तो दोनों पैरेलल होगा, नहीं तो नहीं होगा, मत कुछ समझ में आ रही। तो इस पैरेललोग्राम में ये चीज़ें तो होंगी। अब तो अब यहाँ तक जब हमें बात ये समझ में आ गई कि भाई ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, कैसे हुआ सो समझ में आया दोस्तों। चलिए
तो जब ये बात हम लोगों को समझ में आ गई, ठीक, अब बात करते दोस्तों इसमें आगे थोड़ा सा, ठीक। अब ये थीटा था, अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे दीजिए, थोड़ा सा नाम दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे नाम दे देते हैं इसको अलग कलर से, ओ ए बी सी डी, अब ये नाम दे दिए कुछ ताकि अच्छे से बोलने में बनेगा, है ना। और इसका नाम दीजिए फिगर नंबर एक या दो, जो भी देना है दे दीजिए फिगर ए, ठीक है। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, किसी राइट एंगल ट्रेंगल में अगर एक साइड एंगल पता हो तो हम लोग उसका बाकी साइड कैसे निकालते हैं, तो हम सबको पता है ऑलरेडी दोस्तों कि ये वाला जो होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, हम सबको पता है दोस्तों कि ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये लंबाई हमको नहीं पता, इसको देखिए, ये है सी, ये है डी और ये है ए, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि इतना ए डी पता चल जाए और ए सी डी पता चल जाए, तो दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे तो इसमें क्या होगा कि ये लंबाई बी है और ये थीटा है, थीटा है। तो दोस्तों हम कैसे लंबाई निकालते हैं, हमको पता है ऑलरेडी कि आधार निकालना, बेस और आधार में और कर्ण में रिश्ता किस कौन बनाता है, कॉस थीटा। तो हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए डी यानी बेस बटा हाइपोटेनस यानी कर्ण, यानी क्या होगा, कर्ण क्या है बी, तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा। यहाँ से ये समझ में आया, क्योंकि हमको पता है कि एक थीटा है तो हम कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं ए डी बटा हाइपोटेनस यानी कर्ण एच बी बाई एच, यही तो होता है, तो ए डी तो ए डी या बी एच की जगह पे बी है तो बी, तो यहाँ से ए डी बराबर क्या है बी कॉस थीटा। दोस्तों उसी तरीके से हाइपोटेनस में और जो परपेंडिकुलर होता है उसमें किसका रिश्ता होता है, साइन थीटा का, तो दोस्तों यहाँ से फिर साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए सी यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस यानी बी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। ये समझ में आया दोस्तों, तो ये जो दूरी होगा दोस्तों, ये वाला जो दूरी होगा ए से डी के बीच की दूरी, ये होगा बी कॉस थीटा, और ये जो लंबाई होगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। अब आराम से दोस्तों हम फार्मूला लगाएंगे, काम हो जाएगा, लेकिन इस बात को ऐसे लिख देंगे तो काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज में हम लोग को लिखना पड़ेगा अच्छे से। तो आइए थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखते हैं इसको अच्छे से, पहले हम थोड़ा इसको इरेज कर दें, ओके, ठीक है दोस्त। देखिए ध्यान से, आजकल बहुत गर्मी भी बढ़ गया ना दोस्त, देखिए ध्यान से यहाँ। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, या फिगर ए लिख लिए, लिखेंगे अकॉर्डिंग प्रूफ में लिखेंगे, यहाँ तक वी हैव टू प्रूफ में लिख लीजिए, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे एकदम प्यार से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर ए, फिगर ए के अनुसार, ठीक है। बात करेंगे हम लोग इन राइट एंगल ट्रेंगल ए डी ए सी डी, किस में, ए सी डी में, इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए सी डी, ए सी डी में दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं क्या, क्या आंसर देखिएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या कहेंगे, ए डी बट्टा ए सी, नहीं जो अभी करके दिखाए थे आपको वही बात है। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर दोस्त, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा इस ट्रेंगल में ए सी डी में, ए सी डी, ए सी डी में दोस्तों ये हो जाएगा, ये होता क्या बेस, कलर चेंज दोस्तों, ये हो जाएगा बेस यानी ए डी अपॉन ए डी बट्टा बेस बट्टा हाइपोटेनस होता है ना, आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा ए सी, ए सी का मान क्या है दोस्तों बी, ए सी का मान क्या है बी, यानी यहाँ से ए डी अगर हम निकालेंगे तो दिस में क्या कह सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। आप कहेंगे अगेन, क्या कहेंगे अगेन, पुनः पुनः उसी ट्रेंगल में हम लोग क्या कहेंगे, पुनः साइन थीटा इज इक्वल टू, उसी में
साइन थीटा बराबर क्या होगा बाबू, देखो तो यहाँ से होता है लंब बट्टा आधार, यानी सी डी बट्टा ए सी, है कि नहीं, सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी, ए सी का मान कितना है दोस्त, बी, ए सी का मान कितना है बी, तो बाबू यहाँ से ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक करने के बाद, यानी ये दोनों बात तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके थे, अब यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बड़का वाला लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये लंबाई, ये पूरा लंबाई कितना होगा, पूरा लंबाई बताइए तो, एक मिनट, एक अलग कलर से हम लोग करते हैं, एक अलग कलर 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 कलर, हाँ इस वाले कलर दोस्त, ये पूरा लंबाई कितना होगा बताओ, ये पूरा लंबाई क्या होगा, यहाँ तक ए है, यहाँ पर बी साइन बी कॉस थीटा, तो पूरा लंबाई कितना होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये लंबाई है बी साइन थीटा। तो अब ट्रेंगल देखिए, राइट एंगल ट्रेंगल देखिए, दो ओ सी, ओ सी डी, ओ सी डी या सी ओ डी, इस पूरा बड़ा वाला राइट एंगल ट्रेंगल में देखिए, इन तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, नाउ इन राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, किस ट्रेंगल में बाबू, सी ओ डी, सी ओ डी में हम लोग ये कह सकते हैं क्या, देखिए तो क्या कह सकते हैं हम लोग, ओ डी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर बराबर ओ सी के स्क्वायर, यानी यानी ओ सी के स्क्वायर बराबर, ओ सी के स्क्वायर बराबर ओ डी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर, ये कह सकते हैं क्या, और इसको अगर हम लोग रूट में लगाए तो ओ सी बराबर, ओ सी बराबर हम कह सकते हैं रूट अंडर ओ डी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर, यही बोल सकते हैं हम लोग। अब वो यहाँ तक कर लेंगे तो OC क्या है, OC को तो R बोले हैं, यही लंबाई तो हमको निकालना है, OC की लंबाई निकालनी है, वही मैग्नीट्यूड होता रिजल्टेंट का, वही तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए ध्यान से रूट अंडर, OD कितना है, OD, OD है A प्लस बी कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर प्लस, एक मिनट दोस्तों इसको इरेज कर ले नहीं तो इरर फुल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से इसका होल स्क्वायर प्लस, प्लस ध्यान दीजिएगा प्लस, अब यहाँ से क्या होगा ये सी डी का स्क्वायर, तो सी डी क्या है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट के अंदर में। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे, तो आइए हम लोग ब्रेक डाउन करें इसको, क्या है a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आइए इसको ब्रेक करते हैं। तो जैसे ब्रेक करेंगे तो हम लोग यहाँ से कहेंगे r इज इक्वल टू, हमको r ही निकालना था हम लोगों को, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन थीटा, एक मिनट दोस्तों ये था a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा, एक मिनट b साइन थीटा, b साइन थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ये होगा b साइन थीटा। ठीक है, अब चूंकि लाइट कटती रहती है ना, सो पेज की प्रॉब्लम के कारण हम लोग इधर शिफ्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा इसलिए दोबारा इसको लिख लिए हैं। ठीक, आ जाइए अब दोस्त, इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर ब्रेक कीजिए तो कैसे होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब बी स्क्वायर करेंगे तो पूरा का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी कॉस थीटा, यानी इस दोनों को तोड़ेंगे तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 2ab तो 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा प्लस इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्त एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से, ध्यान दीजिए इसमें हम लोग क्या काम करेंगे कि b स्क्वायर
वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे, बी स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को एक साथ करेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, जब एक साथ करेंगे तो कॉमन लेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको रहने देंगे टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक करने के बाद आर बराबर हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर, हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। तो दोस्तों ये हो जाएगा ए स्क्वायर वन इंटू बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसीलिए आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। दोस्तों दोस्तों हम लोगों के पास जो रिजल्टेंट हमें चाहिए था वो अवेलेबल है, तो हम लोग देख लिए कितना आसान प्रूफ है, कोई खास नहीं, बस आपको डायग्राम पता होना चाहिए और कैसे कैलकुलेट करना वो पता होना चाहिए। बहुत देखिए कितना आसानी से हम लोग ये रिजल्टेंट ले आए। तो हम लोग कहेंगे कि जब किसी भी दो वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो और वो वेक्टर ए और बी वेक्टर हो उसकी मैग्नीट्यूड, तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वह होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब इससे जो ये आया है, अब आपका कहना होगा क्या सर ये डायरेक्शन नहीं, ये खाली वैल्यू होगा, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी। अच्छा तो दोस्त ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ पे अभी क्या किए हैं, अभी ये जो लंबाई होगा उस आर की क्या वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करके ले आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड निकल गया। अब ये जो निकला हुआ है तो देखिए ध्यान से, ये आपके पास ए वेक्टर था ये बी वेक्टर था। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ए और बी वेक्टर, ध्यान से दीजिए देखिएगा इस चीज़ को, आपको इतना तो पता चल गया कि ये रिजल्टेंट होगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब किसी भी दो वेक्टर के बीच की बीच कोई वेक्टर का हम थीटा एंगल है उसके बीच रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा उसके बीच में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि दो एडजेसेंट साइड अगर पैरेललोग्राम का होगा तो उसका डायगोनल क्या होगा, जो उसका विकर्ण होगा उसी के बीच में होगा ना, विकर्ण कभी बाहर हो जाएगा क्या, इसका विकर्ण इधर होगा थोड़ी ना, विकर्ण तो बीच में होता है। तो हमेशा जब दो वेक्टर ए और बी दो वेक्टर रहेगा और उसके बीच कुछ एंगल रहेगा तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा दो वेक्टर के बीच में ही होता है। ये रिजल्टेंट अगर आया तो इस दोनों के क्या होगा, इस दोनों वेक्टर के बीच में ही आएगा। ये दिमाग में बात रखिएगा कि जब दो वेक्टर हो उसके बीच के एंगल हो तो उसका जो रिजल्टेंट है उस दोनों वेक्टर के कहाँ आएगा, बीच में आएगा। अब इस बात पर निर्भर करेगा कि देखिए ध्यान से कि ये जो रिजल्टेंट है ये ए की तरफ झुका ज़्यादा रहेगा कि बी की तरफ झुका हुआ ज़्यादा रहेगा, वो निर्भर करेगा ए और बी की वैल्यू पे। ठीक है, आप एक बात आपके मन में और आएगा कि सर दोनों अगर बराबर रहेगा तब क्या होगा, तो बराबर रहेगा तो जो रिजल्टेंट होगा ना एकदम बीचों बीच रहेगा, मतलब जितना कोण जो होगा इस दोनों के बीच, मान लीजिए इसके दोनों के बीच कोण 60 डिग्री का है तो जो रिजल्टेंट होगा ना, जो रिजल्टेंट क्योंकि उसके बीच में होगा तो 30 डिग्री एंगल जो होगा बी से और 30 डिग्री एंगल जो होगा ए से उसी के बीच में होगा। अगर ये 90 डिग्री रहेगा तो 45 डिग्री पे होगा। बस समझ में आ रही, अब आपके मन में आएगा कि सर ये वो बड़का होगा वो छोटका होगा तो उसमें क्या होगा, तो भाई उस केस में जो रिजल्टेंट होगा एक की तरफ झुका हुआ हो सकता है, ज़्यादा एंगल ए की तरफ हो सकता है, ज़्यादा एंगल बी की तरफ हो सकता है। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि सर अब बताइए कि हम लोग तो इतना समझ गए कि जब हमको रिजल्टेंट निकालना होगा वेक्टर का तो हम लोग निकाल लेंगे आर बराबर, मैग्नीट्यूड जब निकालना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, लेकिन आप तो एक बात बताए नहीं किए कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम। डायरेक्शन जब हमको निकालना रहेगा उस रिजल्टेंट का, मान लीजिए रिजल्टेंट आया तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा ना, हो अच्छा तो आपको कहा जाएगा कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन के बारे में तो आपने ही कुछ बताए हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को आपको समझाए, उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, क्या काम कर लीजिए, इस बात को बहुत अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई है तो, अगर कोई डाउट रह गया है तो लाइव तो अभी दूर होगा ना क्योंकि आप हमसे पूछिएगा नहीं,
डिस्कस कर लीजिएगा हमसे कांटेक्ट करके। हमें लगता नहीं कि आपको कोई डाउट हो, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही था, तो आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा। अच्छा दोस्त, अब बात यह है कि जब ये चीज़ें आप समझ गए हो तो नोट कर लो, पहले अब आगे की बात बाद में करते हैं, ये नोट कर लो अच्छे से। ठीक, यहाँ करने के बाद आपके पास ये है, इसको नोट कर लीजिए, और ये रिजल्टेंट जो हम लोग प्रूव कर लिए, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखना ना भूलेंगे हम लोग, हेंस प्रूव्ड, क्या होगा, हेंस प्रूव्ड मतलब क्या हुआ, अतः साबित हुआ, क्या हुआ, अतः साबित हुआ, ये लिखना ना भूलिएगा प्रूव करने के बाद, हेंस प्रूव्ड मतलब अतः साबित हुआ। जब हम प्रूव कर लिए तो एक वर्ड यूज करें, इससे बात इफेक्टिव थोड़ा हो जाती है। ठीक है दोस्त, सीखते चलिए, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने अंदर जोड़ते जाइएगा, धीरे धीरे अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। अभी इतना टेंशनाइज नहीं हो कि सर मेरा इंग्लिश वीक है, फलना वीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप सीखने पर फोकस करो, छोटी छोटी बातें। अच्छा, एकाबैग पंडित तो हो नहीं जाओगे, तो पंडित एकाबैग नहीं होगा, तो धीरे धीरे हम लोग पंडित होंगे, तो उसके लिए क्या होगा कि आप वो धीरे धीरे अपने अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं वो चेंज लाते रहनी है। तो अभी जैसे एक बार वर्ड सीखे, हेंस प्रूव्ड, जिसको हम लोग जब कभी कुछ भी प्रूव करेंगे तो अब यूज करेंगे हेंस प्रूव्ड, जहाँ भी, जिससे कि आपको लगेगा, कोई भी देखेगा तो लगेगा कि इसको भी इंग्लिश आती है अच्छी खासी, और अच्छे से लिखना भी जानता है। ठीक है, चलिए अब दोस्त यहाँ तक कर नोट करने के बाद अब एक मामला आएगी कि आखिर डायरेक्शन क्या होगा। अब आपका भी क्वेश्चन बनता है, हमारा भी, कि भाई बता तो दिए कि इतना आएगा, उससे खाली रिजल्ट निकल के आएगा कि 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन फोर्स है, तब एक्सीलरेशन है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 20 मीटर, 50, 100, जो भी आना है आएगा, लेकिन वो आखिर कितना एंगल पर लगेगा, किधर की ओर होगा। तो दोस्त पहले से बात जान लीजिए, डायरेक्शन हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होगा, ये बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो हम पूछे हम कहाँ हैं, तो आप दीवार से डायरेक्ट करो ना कि यहाँ से है, या यहाँ से, यहाँ से, किसी भी डायरेक्शन से ही आप हमको इंडिकेट करोगे ना। तो वही बात बोल रहे हैं कि अगर हम पूछेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन, तो सबसे पहले मामला आएगा कि भाई किससे, किससे, तो हाँ वो कहेगा कि ए वेक्टर से कितना एंगल पे है ये पूछेगा, या कहेगा बी वेक्टर से कितना एंगल पे है ये पूछेगा, यही बात पूछेगा, बस समझे। या फिर अगर हमको ई पता हो, तो अगर मान लीजिए हमको कहता है ए बी ना करके वो दे देता है, तब कहता है कि बताओ ये ए है और ये बी है, और ये कहेगा एक्स एक्सिस से कितना पे है, तो पहले हम देखो ध्यान से, ये रिजल्टेंट है, तो मान लीजिए 45 पे होता, अगर हमको एक्स एक्सिस दे देता कि एक्स वो जो है ए और बी एक्स एक्सिस से इतना पे है 30 पे, तो हम 30 प्लस 45 कर देते, कहते 75 पे है, तो हमको उसकी चिंता नहीं करना। अगर हमको, अगर इस ए और बी से अगर हम जान समझ जाए कि रिजल्टेंट जो है कितना एंगल पे है, तो बाकी वो जिससे भी कहेगा ना हम बता सकते हैं आराम से, वो अभी बात की चिंता है। तो तत्काल हम लोग को दोस्तों क्या सोचना है, सो देखिए, तत्काल सोचना ये है, तत्काल सोचना हम लोग को ये है कि भाई जो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है उसका कितना एंगल बनेगा ए के साथ और बी के साथ। अभी ए और बी के बीच का एंगल हमें पता है, ए का रिजल्टेंट के साथ नहीं पता है, बी का रिजल्टेंट के साथ नहीं पता है। हाँ, ए और बी के बीच थीटा हमको पता है, और उसी के बेसिस पे हम लोग सारे प्रूव किए हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि हमको नहीं मालूम। अच्छा एक बात और भी कहेगा कि दोस्त ए और बी बराबर है तो कितना एंगल होगा, तो जितना थीटा होगा ना उसका आधा इधर होगा आधा इधर होगा, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना कि ए और बी हर समय बराबरे रहे। ठीक है, तो बराबर नहीं रहेगा, उस केस में क्या एंगल आएगा उसको निकालने चलते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए, तो उसी के लिए हम लोग पता करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, है ना। तो अब आपको ए से भी पूछ सकता है, बी से, तो मान लीजिए अगर हमको ए से पता होगा और ए से हमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता होगा, तो बी से आराम से निकाल लेंगे, कैसे, पूरा थीटा है तो ई पता है तो ई घटा लेंगे थीटा में से। तब अच्छा चलिए, तो एगो मान लेते हैं, हम लोग क्या मानते हैं, एगो हम लोग मानते हैं कि भाई देखिए कि ये जो एंगल है, कलर ले लेते हैं वाइट कलर दोस्त, ये वाला जो एंगल है उसको हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा है, क्या है, अल्फा हम लोग मान लिया ऐसा कि अभी हम अल्फा क्या होगा हम निकालेंगे, लेकिन अभी मान लिए क्या कि ए और रिजल्टेंट के बीच, ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है, ये अल्फा हमको निकालना है, यही डायरेक्शन है ए से रिजल्टेंट का। हम लोग कहेंगे ए वेक्टर इतना पे है और उससे रिजल्टेंट जो है 30 डिग्री पे है, 40 डिग्री पे, तो इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा।
कैसे, हमको पता है भाई कितना, मान लीजिए हम यहाँ पे, तो हमसे इतना डिग्री पे वो है तो उसका डायरेक्शन नहीं हो गया, इतना डिग्री पे वो है तो उसका डायरेक्शन हो गया, तो किसी का डायरेक्शन हम लोग यहाँ से इंक्लाइनेशन निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, तो उससे उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो सिंपल सा बात है, ये वेक्टर ए रहेगा तो अगर मान लीजिए कहेंगे 30 डिग्री पे, तो आप ए ड्रॉ किए रहिएगा, उससे 30 डिग्री एंगल पे ले जाके एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दीजिएगा, तो कहेंगे ये किसका डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालना सीखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसको, इस एंगल को, ठीक, अल्फा को। तो आगे अगला हेडिंग जो हम लोग का होगा, हम लोग का नोट में जो हेडिंग होगा, ठीक है, वो होगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्या होगा, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना सीख गए, अब हेडिंग होगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो हेडिंग लगा लीजिए अपना, क्या, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है दोस्त। अब देखिए ध्यान से, जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे दोस्तों इसमें, तो हम लोग ये कहेंगे कि अब हमको अल्फा निकालना, अल्फा इज ए डायरेक्शन, अल्फा क्या है, डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन है, बात क्लियर, किसका डायरेक्शन है, रिजल्टेंट का, किस से डायरेक्शन है, ए वेक्टर से, ए वेक्टर से अल्फा डिग्री पर चले जाएंगे तो हमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो अल्फा निकालना है दोस्तों, अल्फा निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, कैसे, कि हम लोग को पता है कि ओ सी ओ डी, सी ओ डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर सी ओ डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग टेन अल्फा बराबर लगा सकते हैं, तो क्योंकि ये लंबाई भी पता है हमको, ये लंबाई भी पता है, तो हम लोग यहाँ से कहेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ओ डी, किस में दोस्तों, सी ओ डी, सी ओ डी में दोस्तों हम ये क्या कह सकते हैं, टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर हम ये कह सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर या लंब बटा आधार, यही ना होता है, परपेंडिकुलर ही होगा, एंगल के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है, तो परपेंडिकुलर यानी बी परपेंडिकुलर, यानी कह सकते हैं ये टेन अल्फा बराबर हो जाएगा सी डी बट्टा, सी डी बट्टा ओ डी, पूरा लंबाई है ना, ओ डी। दोस्तों यहाँ से अगर बात करें तो सी डी क्या है, सी डी देखिए तो गौर से, सी डी क्या है, सी डी है बी साइन थीटा, तो ये जाएगा बी साइन थीटा बटा ओ डी, क्या है दोस्त, ओ डी देखो तो ओ डी क्या है, ओ डी ओ डी ओ डी पूरा जो है वो है ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। दोस्तों यहाँ से हम लोग टेन अल्फा निकाल सकते हैं, यानी अल्फा का मान निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से tan अल्फा बराबर, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, b sin थीटा बटा a प्लस बी cos थीटा, और इसीलिए अल्फा बराबर लिखना होगा, तो इसी बात को लिखने का जो दूसरा तरीका होता है tan इनवर्स b sin थीटा बटा a प्लस बी cos थीटा, ठीक है, ये tan इनवर्स इतना हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप इसको tan इनवर्स के रूप में लिख लीजिए, tan इनवर्स एक एंगल होता है, एक एंगल को रिप्रेजेंट, जैसे देखिए sin थीटा बराबर, जैसे मान लीजिए देखिए sin थीटा बराबर होता है क्या चीज़, p बट्टा h, यानी लंबाई का रेशियो होता है, sin थीटा क्या होता है, लंबाई का रेशियो, कि नहीं, ये परपेंडिकुलर एक लंबाई होता है, हाइट भी एक लंबाई होता है, तो आप sin थीटा को क्या बोल रहे हैं, लंबाई का एक रेशियो है, तो जब आप एंगल रखते हैं यहाँ तो लंबाई का रेशियो निकलता है, तो हमारा कहना ये है कि भाई लंबाई का रेशियो जब रख देंगे तो एंगल निकालना चाहिए उसका उल्टा, यही ना, तो इसी को बोलते हैं इनवर्स, है ना, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एक एंगल होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, एंगल होता है। तो दोस्त यहाँ से ये एंगल को लिखने का तरीका या इनवर्स, जैसे मान लीजिए कभी कभी एंगल परफेक्ट नहीं बनेगा, हालांकि हम लोग के पास कैलकुलेटर रहेगा, कैसा भी एंगल हम लोग निकाल देंगे, एक डिग्री, दो डिग्री, दस डिग्री, पाँच डिग्री, कुछ भी निकाल देंगे आराम से, लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास अलाउड रहता है, तो टेन अल्फा बराबर अगर हम ऐसे लिखे तो या ऐसे निकाल लेंगे, इनवर्स से भी निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्टली निकाल लेंगे, तो वहाँ से हमको अल्फा का मान मिल जाएगा, क्योंकि मान लीजिए टेन अल्फा बराबर अगर मान लीजिए वन आ जाता, तो टेन अल्फा मतलब टेन थीटा का मान वन कब होता है, जब 45 डिग्री, तो अल्फा कितना 45 डिग्री हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री आएगा तो कितना हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री 30 डिग्री हो जाएगा, रूट थ्री आएगा 60 डिग्री, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समय वैसा ही आए,
तो इसीलिए कोई भी एंगल आएगा तो उसकी चिंता आपको नहीं करना कि सर 32.5 डिग्री, सर 10.5 डिग्री, 17.5 डिग्री ऐसे एंगल का मान हुआ तो कैसे निकालेंगे, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। क्योंकि अगर ऐसा एंगल देता है तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, आप उससे निकाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ध्यान देखिएगा, ये आया अल्फा, यानी हम कहें क्या कि ए से रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो निकल के आया। अगर मान लें बी से पूछ लेता यही बात, तो हम उसको कहते कि भाई देखिए बी से रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा होगा। क्या होगा दोस्तों, थीटा माइनस अल्फा। ठीक, बी से कितना डायरेक्शन होगा, थीटा, तो अगर अल्फा निकल जाएगा तो थीटा माइनस अल्फा। दोस्तों ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, है ना, ध्यान में रखनी है। इस सबसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं रिजल्टेंट वाले पे, तो डायरेक्शन के मामला जब आएगा तो आपको ये दिमाग में रखनी है। दिमाग में कैसे रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है कि ए से अल्फा एंगल बन रहा है, और ये जो ये अल्फा है उसको लिखने का तरीका सिंपल सा है। देखिए बी साइन थीटा, देखिए ध्यान से, जिसके साथ एंगल है अल्फा भी किसके साथ, ए के साथ है ना, तो याद रखने का तरीका बी साइन थीटा ऊपर में, अब बाकी जिसके साथ है एंगल उस वह एक ही बार आएगा, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, जिसके साथ एंगल है, ध्यान से, जिसके साथ एंगल है वो नीचे में केवल आएगा प्लस के साथ, नीचे में आएगा प्लस के, जैसे ए है, ए के साथ एंगल है तो ए आया प्लस के साथ, बाकी बी साइन थीटा ऊपर बी कॉस थीटा नीचे, बी साइन थीटा ऊपर बी कॉस थीटा नीचे, बी साइन थीटा ऊपर बी कॉस थीटा नीचे, और केवल जिसके साथ एंगल है वो एक बार नीचे में प्लस में आएगा, बस इतना याद रख लेना है। ये तरीका है, तो ये अपेक्षा करते हैं कि आप ये जो एंगल निकालने का जो तरीका आपको बताया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, और वह डायरेक्शन होगा किसका, ये रिजल्टेंट वेक्टर का ए और बी के साथ। बाकी अगर ए और बी के साथ हमको पता है तो किसी के साथ भी वो पूछेगा तो हमसे हमको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो कुछ देगा तब, कैसे, वो ए के साथ एक्स एक्सिस से ए कितना एंगल पे है, बी कितना एंगल पे है, और तब हमसे पूछता है कि एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल पे है, तो हम आसानी से बता देंगे। बस समझ में आया, तो कुल मिला के आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गया कि दो वेक्टर के बीच अगर एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, और उसके बाद उसका एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट का, किसी भी एक वेक्टर के साथ हम आसानी से कैलकुलेट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों अपेक्षा करते हैं कि आप वो सब लिखने के बाद, जो रिजल्टेंट लिखने के बाद, ये बात अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लिए हैं। ठीक, अब चलिए एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं और आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे की कॉन्सेप्ट में ध्यान फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए, हम लोग एक न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ जाए, आ जाइए एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। ठीक है, अब बात करते दोस्तों हम लोग इसमें, बात करते हम लोग इसमें कि एक क्वेश्चन की, तो कहते हैं इफ इफ If two vectors having magnitude 3 and 4 meter and sixty degree angle between them, then find resultant of these two vectors। कहा कि भाई देखिए दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, हमें डायरेक्शन नहीं पता है, रैंडम बना रहे हैं, रैंडम मतलब अपना मन से कुछ भी, एक वेक्टर इधर है 4 मैग्नीट्यूड का, एक 3 मैग्नीट्यूड का,
दो वेक्टर है तीन का और उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा आर, उसका मैग्नीट्यूड बताइए, मॉड यानी रिजल्टेंट का मॉड बताइए कितना होगा, ठीक है। या फिर डायरेक्शन भी पूछेगा तो डायरेक्शन रिजल्टेंट में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर हम दोनों बताना चाहें तब पर भी हम बता सकते हैं। अच्छा कैसे होगा हो, देखिए ये चार है, देखिए एकदम सिंपल तरीका, इसी तरह से पैरेललोग्राम था ना, ये देखिए तो इसी तरीके से ना है, ये चार है तीन है ये तीन है, इसी तरीके से हमारा पैरेललोग्राम था। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, थीटा 60 डिग्री। अब पहले अब रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग, पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बाबू, गिवेन डैट मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड लेट मानेंगे कि ए बराबर इतना बी बराबर इतना मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर मान लेंगे, ए एक ए और बी दो वेक्टर है ठीक है, तो ए बराबर मान लेते हैं 4 है मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3। खाली मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी ए और बी की, ठीक ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है दोस्त। अब हम लोग यहाँ से कहेंगे और थीटा क्या है कितना 60 डिग्री, थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल, ध्यान रखिएगा टेल टू टेल वाला एंगल ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ से दोस्तों हम लोग रिजल्टेंट करेंगे, नाउ आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूंकि आर बराबर क्या होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब हम लोग सब जानते हैं इसको कैसे करना है कैलकुलेट, ए का मान कितना है भाई 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा, यानी क्या हो जाएगा कॉस 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है दोस्तों 1/2, यहाँ से हो जाएगा ये देखिए ये 16 9 और ये हो जाएगा 2 × 4 × 3 गुना हो जाएगा 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 × 4 = 12 यानी हो जाएगा आपका 16 9 25 अब 12 37 यानी ये हो जाएगा रूट अंडर 37। तो रिजल्टेंट कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 37, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 37। अच्छा दोस्त अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि आपको कहा जाएगा कि आप बताइए कि जो रिजल्टेंट आया इसका तो मैग्नीट्यूड है रूट अंडर 37, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि जो जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड, तो आपको समझ में आया कि कैसे निकालें। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए वेक्टर के साथ ही कितना एंगल बना रहा है, तो हम लोग कहेंगे देखिए मान लीजिए कि अल्फा एंगल बनाता है, तो हम लोग जानते हैं टेन अल्फा बराबर, डायरेक्शन की बात करें कि कितना एंगल के साथ ये ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट है, तो हम कहेंगे टेन अल्फा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा बराबर आपको बताए थे कि जिसके साथ हो वो एक ही बार नीचे आएगा ठीक है, बाकी ये रहेगा, तभी ए बी ये है। तरीका क्या है, तरीका ये है कि अभी देखिए क्या तरीका है, बी साइन थीटा नीचे में होता है बी कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल हो वह केवल एक बार लिखाएगा ए। तो देखिए अभी ए के साथ हम ए इसको माने हुए हैं, अब बी इसको माने हुए हैं, यही बात तो हो रही है, तो दोस्त इसका एंगल कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा देखिए ध्यान से, बी का मान कितना है दोस्त, बी का मान है 3, तो 3 × sin 60, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, ए का मान कितना है दोस्तों 4 प्लस बी का मान कितना है, बी का मान है 3 × cos 60 डिग्री, यही है क्योंकि हमको पता है कि ऊपर में sin थीटा नीचे में cos थीटा, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से दोस्तों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो tan अल्फा बराबर ये आ जाएगा 3 × sin 60 का मान होता है कितना, साइन 60 का मान कितना होता है जी दोस्तों, याद है ना कि साइन 30 सा cos 60 ये सब ये पता है ना, साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, तो ये सब चीज़ें यानी जी बेसिक है दोस्तों, बेसिक है, ये सब चीज़ें भूलना नहीं है, 4 + 3 × 1/2 cos 60 1/2। अब दोस्त यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो जो भी बन के आएगा कैलकुलेटर हमारे पास रहेंगे ही, अब इसका रूट का 3 का मान था 1.7 समथिंग, तो इसको पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो कुछ बन के आएगा, जितना भी बन के आएगा। अब ये देखिए ये सब काम अब हम लोग का नहीं रहा, क्या क्यों कैलकुलेटर है सब चीज़ है, जल्दी से हो जाएगा उसका कोई मामला नहीं, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं टेन अल्फा या अल्फा बराबर सीधे लिख देंगे टेन इनवर्स है ना, ये वैल्यू जितना आएगा 3√3/2 अपॉन ये हो जाएगा कट ही हो जाएगा 2 से 2 तक कट ही हो जाएगा, तो ये आपका कुछ ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 × 8 8 × 3 11 11/2
ठीक है, ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा टेन इनवर्स 3√3/11, ये कुछ ऐसा। इसका वैल्यू हम कैलकुलेटर में रखेंगे, जो आएगा वही अल्फा का मान हो जाएगा। तो आपको एंगल पता चल जाएगा कि कितना एंगल से क्या हुआ है दोस्तों, कितना एंगल से ये अल्फा जो है वो चार यूनिट वाले मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर से है, कितना एंगल पे रिजल्टेंट हमारा है। बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ? चलिए, अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई तो अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करने के बाद कुछ हम लोग बात अब नोट करेंगे, नोट करने वाली बात, फैक्ट नोट करेंगे। फैक्ट क्या नोट करेंगे, सो आइए चलते हैं इसकी तरफ, आइए देखते हैं दोस्त। सोचे थे कि इसको ऑफ करें, लेकिन अभी हमको कुछ बातें याद आ गई कि कुछ बातें हम लोग को जानना यहाँ ज़रूरी है। तो आई थिंक कि आप इसको नोट कर लिए होइएगा क्वेश्चन को, और वीडियो पॉज करके इसको हम इरेज कर लेते हैं, अब आगे देखा जाएगा। हाँ, इसको इरेज कर लिया जाए ताकि हम आपको नोट करवा सके कुछ बात। ठीक दोस्त, आ जाइए, सफिशियंट स्पेस हो गया हमारे पास। अब चलिए एक कुछ बात हम लोग नोट करते हैं, ठीक है, नोट करने वाले पॉइंट जो है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अभी एक बात बताइए कि दो वेक्टर आपको अगर दिया रहेगा दोस्तों, तो उसमें ए और बी दिया तो वो तो फिक्स हो गया। हम लोग क्या किए क्या कि जैसे जैसे ध्यान देखिएगा, हम लोग देखें क्या कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। हम लोग देखें क्या कि भाई जैसे इसका दोनों का मैग्नी, इसका भी मैग्नीट्यूड फिक्स है, इसका भी फिक्स है। अब क्या देखें कि अगर एंगल हम अलग अलग चेंज करते हैं ना, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट उसका वैल्यू अलग अलग आता है। एंगल बड़ा करते हैं तो अलग आता है, छोटा करते हैं तो अलग आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो दिया गया वेक्टर पे इस बात पे निर्भर करेगा रिजल्टेंट कि उसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, उसी बात पर निर्भर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिजल्टेंट के बारे में हम सोचें तो ए फिक्स रहेगा, बी फिक्स रहेगा जो दिया, दो दिया हुआ वेक्टर में, और ए बी भी फिक्स रहेगा। तो थीटा पे ही निर्भर करेगा कि ये वैल्यू कितना होगा, अधिक से अधिक रिजल्टेंट कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है। क्या बात क्लियर है? अच्छा, तो थीटा पे निर्भर करेगा। तो थीटा के लेके बात अब हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा नोट करने वाले बात में, आइए। ठीक, देखिए नोट में पहली बात ये होगा, देखिए ध्यान से, पहला बात क्या, व्हेन थीटा इज जीरो डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा कितना हो, जीरो डिग्री। दोस्तों थीटा जब जीरो होगा तो जरा बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो, ठीक, कॉस जीरो। तो यहाँ से आर क्या होगा दोस्तों, देखो तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, कितना होता है, वन, कितना, वन। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बात कुछ समझ में आए ये? तो जब जीरो डिग्री एंगल हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, थीटा जीरो का करने का मतलब क्या है, एक लड़का है, ठीक है। अब मान लीजिए कि उस पर एक लड़का, एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, इस पर 2 न्यूटन से इधर की ओर धक्का दे रहा है ये, एक और लड़का है जो इसी डायरेक्शन में इसको 2 न्यूटन से या 3 न्यूटन से धक्का देगा। तो बताइए कि आप सीधा सीधा एक बात सिंपल सा देखिए, जब 2 न्यूटन से ये धक्का इधर की ओर देगा, 3 न्यूटन से धक्का देगा, तो दोनों फोर्स जो लग रहा है या दोनों वेक्टर जो है उसके बीच एंगल कितना, जीरो डिग्री, उसके बीच एंगल कितना, दोनों एक ही लाइन में है तो एंगल कितना होगा, जीरो, पैरेलल है तो एंगल दोनों के बीच कितना होगा, जीरो। तो जीरो डिग्री दोनों के बीच एंगल हो गया। तो अब बताइए कि क्या 2 न्यूटन और 3 न्यूटन से जो फोर्स आएगा वो टोटल कितना आएगा, सो देखिए ध्यान से, तो टोटल कितना आएगा, 2-3 से जो फोर्स लगेगा टोटल कितना आएगा, 5 न्यूटन। हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि 5 न्यूटन, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स, इधर हम धकेल रहे हैं वो धकेल रहा है, तो कितना से धकलाएगा, दोनों का मिला के जितना होगा उतना से धकलाएगा, धकलाएगा कि नहीं धकलाएगा,
हम भी उसको उधर धकेल रहे हैं और आप भी उसको उस दूर ही धकेलिएगा, तो दोनों आदमी के एक के साथ एक एक ही दिशा में धकेलते हैं तो क्या होता है, उधर की ओर जाएगा पूरी दोनों ग्रह के फोर्स के साथ जाएगा। तो यही बात ये बताता है कि जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में तो एंगल जीरो डिग्री होगा और उसका जो रिजल्टेंट होगा ना उसको आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं तो वही आएगा, और इस फॉर्मूला से भी जोड़िएगा तो वही आएगा। कहे सर कैसे कह रहे हैं, ऐसे तो आप डायरेक्ट जोड़े तो दो तीन स्केलरली आप जोड़ दिए, 2-3-5 होता है, वेक्टोरियल के फॉर्मूला से तो जोड़बे नहीं किया आप इसको। तो दोस्त जब जीरो डिग्री एंगल होता है, जब एक ही डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है ना तो उसको आप स्केलरली जोड़ सकते हैं, सीधे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी, वो सही हो गया। और ये कैसे होगा, आप फॉर्मूला से भी जोड़िएगा तो मैग्नीट्यूड यही आएगा। कैसे देखिए, आर बराबर क्या होगा फॉर्मूला से देखिए, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 × 3 × 2 2ab होता नहीं है, और कॉस 0 तो 1 हो जाएगा इस सेम डायरेक्शन में। तो गौर से देखिए इसको निकालिए कितना आएगा, 4 + 9 + 3 × 4 = 12। दोस्तों कितना आ रहा है देखिए ध्यान से, 12 × 9 = 21 = 25, देखिए 25 आएगा, इसका कितना आएगा 5, आ गया 5 न्यूटन। तो दोस्त इतना तो इतना जब जीरो डिग्री पर लगेगा ना तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको तो सोचना ही नहीं पड़ता है, एकदम रियल लाइफ से समझो, यो धक्का उधर दे रहा है, यो हम भी उधर दे रहे हैं, आप भी उधर हम भी उधर, तो दोनों आदमी जब धक्का की तरफ देंगे तो क्या होगा, दोनों का धक्का एक साथ दिखेगा, क्योंकि फोर्स एक तरह का वेक्टर है, वेक्टर से समझिए ना, फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर के साथ डील करेंगे सो और फोर्स के साथ डील करेंगे, सब बात बराबर आएगा। तो दोस्तों जब इधर की धक्का दे रहे हैं आप भी दीजिएगा तो दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये आया कि अगर जीरो डिग्री होगा तो सबसे ये, और इसी केस में जब एंगल जीरो डिग्री होता है तो रिजल्टेंट होता है क्या, मैक्सिमम। अब बताइए किसी भी आदमी को आपको एक ही डायरेक्शन में दो आदमी मिलकर धक्का दे रहा है और एक ही दो आदमी मिलकर धक्का दे रहा है और सबसे अधिक धक्का कब दिया आएगा, जब दोनों आदमी एक के डायरेक्शन में धक्का देगा तब ना सबसे अधिक धक्का दिया आएगा, समझिए बात को। अगर आप इधर धक्का दे रहे हैं हम धक्का साइड होकर धक्का देंगे तो उतना ज़्यादा तेजी से धक्का नहीं दिया जाएगा जितना कि दोनों आदमी एक ही दिशा में धक्का देंगे। तो कुल मिला के ये होता है कि इसी केस में जब दो वेक्टर एक्ट करता है जीरो डिग्री पे तो इस केस में आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट यानी जो उसका रिजल्टिंग वेक्टर होता है यानी रिजल्टिंग फोर्स कहिए वेक्टर कहिए वो जो होता है उस केस में क्या होता है मैक्सिमम आता है, यानी ये जो है ये क्या है मैक्सिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट। ठीक बात समझ में आ रहा होगा अपेक्षा करते हैं आप लोगों को। ओके दोस्त ये है मैक्सिमम रिजल्टेंट और इसी को बोलते हैं आर मैक्स। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम आएगा कब कितना। अच्छा दोस्त ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा ये बात को और देखिए मजेदार भी में, इसको क्या लिख सकते हैं जरा देखिए ध्यान से, रूट अंडर ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं देखिए, तो ये स्क्वायर से कट जाएगा नहीं, तो आर मैक्स क्या आएगा सो देखिए ध्यान से, ये आएगा ए प्लस बी, देखिए कितना मज़ेदार रिजल्ट आया, डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिए और मैक्सिमम रिजल्टेंट मिल जाएगा, या उस केस में रिजल्टेंट जब एंगल जीरो डिग्री दो फोर्स पे या दो वेक्टर पे जब जीरो डिग्री से हो तो डायरेक्ट दोनों वेक्टर को जोड़िएगा मैग्नीट्यूड को तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाता है कब, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ जब जीरो डिग्री पे हो तब ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक समझ में आया ये बात अच्छे से, ये सब का एप्लीकेशन बहुत बढ़िया सा फिजिक्स में आएगा, यूज बहुत बढ़िया फिजिक्स में आएगा, ये सब चीज़ का कॉन्सेप्ट का मैकेनिक्स में भी आएगा। ठीक अब मैथ में तो है ही है भाई। दोस्त पहली बात नोट करने वाली आपको अच्छे से समझ में आ गया, दूसरी बात जब एंगल 90 डिग्री होगा तब, केस वन था ये, केस वन इसको केस वन करके लिखेंगे, केस वन केस टू करके लिखेंगे, इसमें केस टू। दोस्त ध्यान दीजिए जब एंगल 90 डिग्री हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोस्त जब 90 डिग्री होगा तो उसके में रिजल्टेंट क्या होगा, आर बराबर जो होगा दोस्तों उस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 90। दोस्तों cos 90 का मान कितना होता है
हम सबको पता है जीरो होता है, कितना होता है जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा। इस केस में आप रिजल्टेंट जो निकालिएगा वो क्या होगा दोस्तों, वो डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ध्यान दीजिएगा इस केस में जब रिजल्टेंट होता तो कुछ भी नहीं करना है डायरेक्ट, उसमें टू ए बी कॉस ऑफ थीटा सब को लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट जब 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा होता है तो डायरेक्ट जो वेक्टर रहता है उसका होल स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर का होल स्क्वायर वही उसका रूट अंडर वही रिजल्टेंट हो जाता है और यही हम लोग का रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से दोस्तों ये वाला मामला भी हम लोग का फिट बैठ गया। इस केस में जब 90 डिग्री एंगल पर डायरेक्ट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अच्छा ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं हम लोग इसमें आगे नेक्स्ट केस नंबर थर्ड की। अच्छा, केस नंबर थर्ड की नीचे में लिखा हुआ तो उसको मिटा लेते हैं, जो पुरानका वाला जो हम लोग का था ना वो हैते हैं अभी, इसको भी हटा देते हैं थोड़ा साफ हो जाएगा। ठीक, अब केस थर्ड लिखिएगा, केस थर्ड। ठीक, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोस्त आपको पहले ही बता देते हैं कॉस 180 का मान अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो लिख लीजिएगा -1 होता है। ठीक है, ये सब पढ़ाए होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, है ना, तो कॉस 180 का मान -1 होता है, अगर नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा, जो लोग जानते हैं अच्छी बात है और बाकी जो लोग नहीं जानते तो उनको ट्रिगोनोमेट्री जिसमें पढ़ना होगा, बच्चे जिनको पढ़ाया है वो लोग जानते हैं, तो कॉस 180 कितना होगा -1। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों कि इस केस में रिजल्टेंट कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे दोस्तों तो ये होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये देखिए कॉस 180 का मान कितना होगा -1, क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से माइनस 2ab। दोस्तों इसको क्या और लिख सकते हैं बताइए, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, नहीं, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी r बराबर हो जाएगा a माइनस बी। ध्यान से देखिएगा, जब कोई दो फोर्स 180 डिग्री पे काम करेगा तो क्या होगा। ठीक, सोचते हैं सिंपल सा, दो वेक्टर या दो फोर्स काम करे, दोस्त मान लीजिए ब्लॉक है, एक आदमी इधर खींच रहा है 50 न्यूटन के फोर्स से और एक आदमी इधर खींच रहा है मान लीजिए 20 न्यूटन के फोर्स से। ठीक है, 50 न्यूटन 20 न्यूटन के फोर्स से इस ब्लॉक को खींच रहा है दो आदमी। ठीक है, अब बताइए इस फोर्स और इस फोर्स यानी F1 F2 दो नाम दे दीजिए या AB नाम दे दीजिए, इस दोनों फोर्स में जब एक आदमी इधर खींचेगा एक आदमी इधर खींचेगा तो दोस्तों बताइए एंगल कितना है, इस पे एंगल देखिए तो कितना है, इधर इधर कितना एंगल 180 डिग्री, नहीं 180 डिग्री एंगल कितना 180 डिग्री, F1 F2 के बीच कितना एंगल 180 डिग्री। अब दोस्त जब 180 डिग्री पे ये एक्ट करेगा, ये फालतू चीज़ नोट नहीं करनी, जो अच्छे से नोट करते आ रहे हैं उसी चीज़ को नोट करिएगा, बाकी चीज़ आपके समझाने के लिए। ठीक, अब दोस्त ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री पर जब काम करेगा तो आप बताइए ब्लॉक किधर जाएगा, तो देखिए इधर खींचेगा तो देखिए ये कैंसिल करेगा ना, तो ये 20 न्यूटन इसको डायरेक्ट क्या कर देगा 30 न्यूटन के, जैसे इधर 50 न्यूटन खींचा आ रहा था तो इधर की ओर जाना चाहिए था 50 न्यूटन के हिसाब से, लेकिन 20 न्यूटन जब इधर लगा तो इसके 50 न्यूटन के प्रभाव को क्या करेगा कम कर देगा, कितना से कम करेगा तो 20 न्यूटन, इधर नेट जो फोर्स लगेगा वो 30 न्यूटन का लगेगा, 20 न्यूटन से कम कर देगा, सिंपल। अब हम खड़े हैं, एक आदमी इधर से धक्का दिया एक आदमी उधर से धक्का दिया, कह रहा है मास्टर ठीक से पढ़ाया नहीं इसको धक्का दो तो रहा है ना, तो अब इधर से धक्का दिया उधर से धक्का दिया, मान लीजिए कोई किसी को ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है तो 50 न्यूटन का दे दिया धक्का, और किसी को जो कम में गुस्सा आया है चलो ठीक तंगमंग तो सही किया हुआ है तो 20 न्यूटन का दिया। तो अब इस केस में आप ध्यान दीजिए कि क्या होगा, सो बताइए कि आप देखिएगा कि एक आपकी जो नेट धक्का जिस धक्का ज़्यादा लगता होगा दोनों में से घटा के हमारा हम पे उतना ही फोर्स लगेगा और उतना ही फोर्स से हम आगे की ओर जाएंगे, बस समझ में आया, तो वही बात होती है। तो दोस्तों इसमें आप जब 180 डिग्री पर लगेगा ना फोर्स तो आप डायरेक्ट बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लीजिएगा, उस केस में आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कि कितना रिजल्टेंट के साथ लगता है।
और कोई जरूरी नहीं है बड़ा वाला छोटा में घटाना ना। अगर मान लीजिए इधर इधर की ओर डायरेक्शन को आप माइनस में मानिएगा तो निगेटिव में भी आ सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि अपोजिट में जा रहा है, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इधर के डायरेक्शन को हम प्लस वाला है, इधर कहेंगे माइनस वाला है, तो इधर की ओर अभी प्लस वाला ज़्यादा है, घटाएंगे तो पॉजिटिव में आएगा, तो कहेंगे प्लस वाला में जा रहा है। अगर मान लीजिए इधर की ओर माइनस वाला में, अगर मान लीजिए ये 70 रहता है ये 50 रहता है, तो हम कहते हैं कि निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन मान लेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव कर देंगे, नहीं तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? 20 में से 50 घटाइए 100, और 30 में से 50 में से 20 घटाइए 100, 20 में से 50 या 50 में से 20, दोनों बात क्या आएगी? मैग्नीट्यूड सेम आएगी अगर डायरेक्शन की बात छोड़ दिया जाए तो। डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम लोगों को पॉजिटिव निगेटिव लेंगे तो वहाँ मामला बनेगा। लेकिन दोस्त एकदम सिंपल सा तरीका, जब कभी भी हम लोग देखेंगे 180 पर लगेगा तो रिजल्टेंट डायरेक्ट घटाने पर आ जाएगा। रिजल्टेंट कैसे आएगा? घटाने पर आ जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये रूट में से जब निकलता है तो मॉड में होता है, इसलिए प्लस माइनस में हो जाएगा। तो हमेशा आपको ये देखेगा कि निगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो ये मॉड में निकलता है। तो अभी अभी तत्काल आपको इतना समझ में आया कि रिजल्टेंट डायरेक्ट घटाने पर मिल जाता है, ये समझ में आया अच्छे से, क्लियर हुआ? अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, अब इसी केस में आप ध्यान दीजिएगा कि एकदम सामने सामने एक दूसरे के अपोजिट में धक्का देता है, इसी केस में जो हमको रिजल्टेंट मिलने का जो चांस रहता है वो मिनिमम होता है। अब आपके मन में आएगा सर 180 से बढ़ाएंगे, 270 ले जाएंगे, 360 ले जाएंगे, तो सर क्या होगा? बाबू कुछ नहीं होता, बात रिपीट होने लगती है। बात क्या होती है? रिपीट होने लगती है। अब चला समझिए, ये इसको दोस्त ध्यान से पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे लिखते हैं। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको बोलेंगे मिनिमम रिजल्ट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिनिमम, उठा मैक्सिमम, यह है मिनिमम रिजल्टेंट। मिनिमम रिजल्टेंट यानी आर मीन जो होता है दोस्तों, आर मीन वो होता है ए माइनस बी। कब होता है? जब 180 डिग्री दो वेक्टर के बीच के एंगल हो तब। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब चलिए थोड़ा सा समझाते हैं आपको, देखिए ध्यान से, देखिए आपको बताते थोड़ा सा। देखिए बाबू इधर क्या होगा, देखिए ध्यान से, एक वेक्टर मान लीजिए इधर था, तो हम लोग क्या किए, वेक्टर को कैसे कैसे रोटेट करने लगे, इधर की एक वेक्टर इधर की ओर छोटा या बड़ा लगाए, तो ए और बी दोनों इधर लग रहा था शुरू में, एंगल दोनों के बीच कितना था? जीरो। अब इस एक वेक्टर को जैसे जैसे बढ़ाना, एंगल बढ़ाना शुरू किए, अब एंगल बढ़ाना शुरू किए, एंगल बढ़ाना शुरू किए, एंगल बढ़ाना शुरू किए, तो ये एंगल बढ़ते गया, बढ़ते 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 यहाँ आया। जब ए और बी जो था जब यहाँ आ गया, देखिए एंगल बढ़ाना शुरू किए, तो क्या हुआ, रिजल्टेंट शुरू में डायरेक्ट जोड़ने पर मिल जा रहा था। अब क्या होगा, जब एंगल बढ़ाना शुरू किए तो अभी ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पर सबसे मैक्सिमम था, यहाँ पर क्या था, मैक्सिमम, यहाँ क्या था, मैक्सिमम, रिजल्टेंट क्या था, मैक्सिमम। अब ये जैसे जैसे बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, बढ़ते 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 एक टाइम आएगा, जब टाइम आएगा जब इसमें बढ़, यहाँ बीच, इसके बीच बीच अभी अभी बीच में रहेगा वैल्यू, ठीक है। अब बढ़ते बढ़ते, अब जब जैसे ध्यान से देखिएगा, जब एक बी वाला वेक्टर जो है वो यहाँ आ जाएगा तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी 180 डिग्री पे, ये 90 पे था, तो 90 पे हमको दिमाग नहीं लगाना होता, डायरेक्ट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक। जब 180 पे आएगा तो डायरेक्ट रिजल्टेंट जो होगा वो ए माइनस बी है ना, या बी माइनस ए का मॉड हो जाएगा, रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, बड़का में छोटा घटा देंगे या फिर, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए अगर बड़ा निगेटिव साइड वाला बड़ा है तो निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव साइड वाला था पॉजिटिव में आएगा, बस समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग रूट से निकालते तो हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करते तो मॉड लगा लेते हैं। मॉड लगा लेने का मतलब ये हुआ कि ये हमेशा जो खाली वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है, वैल्यू की, डायरेक्शन तो डायरेक्शन की चर्चा तो अलग से हम करते ही है, तो डायरेक्शन जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, मैक्सिमम से ये कहाँ आया, मिनिमम पर, कहाँ आया, मिनिमम पर, ठीक, मैक्सिमम से मिनिमम पे ऐसे शिफ्ट हुआ। अभी एंगल था 0 0, फिर एंगल बढ़ते एगो वेक्टर यहीं पर आ गया, एगो बढ़ते 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 90 पे आया, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर जैसे जैसे 180 पे आ गया। अब जब ऐसे एक्ट करता है तो डायरेक्ट घटाने से मिल जाता है, और सीधा एक 0 डिग्री पे एक्ट करता है तो डायरेक्ट जोड़ने से मिल जाता है, बाकी बीच में जो रहेगा वो आपको बिना फार्मूला का नहीं मिलेगा, गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे आपको मैटर करने लगता है,
और यहाँ पे एंगल डायरेक्ट उससे भी एंगल उससे भी निकालेंगे तो ये वही आएगा, और डायरेक्ट अति घटा 180 पर भी वही आएगा, डायरेक्ट मिनिमम वाला में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बीच में जब ये रहेगा तो आपको एंगल की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ये समझ में आया दोस्तों? अगर आपको ये पता चल गया है कि ऐसा ही होता है, ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि भाई ये बढ़ा देंगे यहाँ पर ले आएंगे तो कुछ नहीं, ए और बी के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यही ना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ आया तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे, उल्टा में माइनस, क्योंकि आपको पता है कि एंगल जो लेते हैं इधर की ओर एंटी क्लॉकवाइज प्लस में लेते हैं और जो क्लॉकवाइज लेते हैं वो माइनस में लेते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा नहीं सोचना, आपको बोले कि बात रिपीट होने लगती है तो आपको 180 तक ही सोचना, उसके बाद बात रिपीट होने लगती है। कैसे, अब देखिए ये 90 डिग्री, अब मान लीजिए तो ई माइनस, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे तो ई माइनस 90 डिग्री, यहाँ से ये एंगल जब मान ली वेक्टर यहाँ आएगा तो इसके बीच का एंगल जो होगा एंटी क्लॉकवाइज में माइनस 90 डिग्री, इधर से लेंगे तो 270 डिग्री, यही ना होगा, यहाँ से 270 डिग्री और इधर से लेंगे तो माइनस 90 डिग्री। तो दोस्त ध्यान सुनिएगा, कॉस आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 90 हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यानी कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस माइनस 90 जो का जो बाण होगा वही कॉस 90 का होगा, तो कॉस 90 माइनस 90 कहिए या 90 कहिए, बात तो बराबर हो जाएगा, तो फिर पुरनका वाला ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0, तो बात रिपीट होने लगती है, तो उसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है ज़्यादा, सिंपल सा क्या लगाएंगे, हमको ध्यान कहाँ पर रखना है, जीरो से लेकर कितना के बीच, 180 के बीच ध्यान रखना है, और उसके बाद जब बात आती है तो फिर से रिपीट हो जाती है वही, ठीक। बस अगर आपको इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है तो दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा याद रख लेना है। और ये कैसे हो रहा है आपको समझा दिए, बाकी अगर नहीं कुछ पता चला है इसमें कि कैसे होगा तो उसको अब छोड़िए, सीधे दिमाग लगे कि 0 से 80 के बीच, क्योंकि इसके बाद जब फिर से बात बढ़ती है तो वो रिपीट होने लगती है, ठीक। अगर आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई तो तीन बात अभी हम लोग दोस्तों यहाँ सीखे, तीन बातें अभी हम लोग यहाँ सीख लिए हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं सर, तो वो बातें हैं सर ये कि जब दो वेक्टर 0 डिग्री पे काम करे तो उसका रिजल्टेंट डायरेक्ट दोनों को जोड़ने ए प्लस बी होता है और आर मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है। अच्छा, जब 90 डिग्री पे हो तो डायरेक्ट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, जब 180 डिग्री पे दो वेक्टर एक्ट करे, उल्टा 180 डिग्री पे जब एक्ट करे तो दोस्तों क्या होता है, उस केस में मिनिमम रिजल्टेंट आता है और ए माइनस बी। मिनिमम रिजल्टेंट कब आता है, जब 180 डिग्री पर दो फैक्टर एक्ट करे। मैक्सिमम कब आता है, जब 0 डिग्री पर एक्ट करे। और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आता है, जब रिजल्टेंट का जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री। एंगल कितना हो, 90 डिग्री। अब आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये था एंगल को चेंज करने के कारण होने वाला प्रभाव, है कि नहीं, एंगल के चेंज करने से जो प्रभाव वेक्टर पे हो सकता था वो ये था। अब एक बात और भी है, अब एक मामला हम लोग को और दिमाग में आएगा कि एंगल से तो सर समझ गए कि एंगल चेंज करने से इस वेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तो आप हमको बता दिए, बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एंगल चेंज करने से क्या क्या हो सकता था। अब ज़रा सा हमको एक बात और समझाइए कि कहीं ये ए और बी दोनों बराबर होगा तब क्या होगा। तो आइए एक केस और लेके चलते हैं जिसमें हम ये मान के चलते ना बराबर होगा तो यही वाला मामला होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर होगा तो इससे भी हो जाएगा सारा काम, इससे सारा काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग का इस जो फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, बात सब जो बता रहे हैं, ये सब डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मैक्सिमम रिजल्ट कब हो, रिजल्टेंट कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो ये कॉन्सेप्ट में क्लियर रहेगा तो आप जब तक आंसर नहीं दे पाइएगा, सबका जड़ तो ये है, ठीक। अब दोस्त बात करते हैं इसमें हम लोग कि आर जो है रिजल्टेंट जो है, इसमें आप ई ए और बी जब दो वेक्टर बराबर हो उस केस में हम लोग कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या उसका कुछ वैल्यू आती है। तो चलिए एक केस और लेते हैं जिसमें चौथा केस रखते हैं नोट में और उसमें लिखते हैं एक फोर्थ केस में आ जाइए कि वेन ए एंड बी आर टू इक्वल वैक्टर्स। केस नंबर 4, वेन A and B are two equal vectors और एंगल वही थीटा, दोनों के बीच के एंगल क्या है, एंगल थीटा है, वही सेम चीज़ है। अभी उस समय थीटा करने के सोच के देखें, अब थोड़ा सा मैग्नीट्यूड वाइज सोच के देखें कि A और B का मैग्नीट्यूड बराबर हो, बराबर नहीं हुआ तो वही फॉर्मूला लगेगा, बराबर हो तो क्या कुछ स्पेशल केस जनरेट होता है, तो आइए देखते हैं। सॉरी दोस्तों,
आइए देखते हैं। आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ध्यान रखने की जरूरत है। अब दोस्तों आर बराबर, जब दोनों बराबर है, ये ए और बी बराबर है, तो एक जगह बी रख सकते हैं, बी की जगह पे ए रख सकते हैं। तो चलिए ए स्क्वायर आप बी की जगह पे ए रख सकते हैं, क्योंकि ए बराबर बी है। ए बराबर क्या है? बी। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए, अब बी की जगह पे क्या रख सकते हैं? ए कॉस थीटा। क्यों? चूंकि चूंकि ए बराबर बी, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। दोस्तों यहाँ से अगर हम करेंगे तो आर बराबर हम ये कहेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। दोस्तों अब यहाँ से हम लोग इसको करेंगे तो ये कहेंगे टू ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? वन प्लस कॉस थीटा। यहाँ से थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री का यूज आएगा, क्योंकि आपको ट्रिगोनोमेट्री में पता है वन प्लस कॉस टू थीटा बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस टू थीटा बराबर होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ टू थीटा रहता है तो यहाँ थीटा हो जाता है, और यहाँ पर अगर थीटा रहेगा तो उसका आधा क्या हो जाएगा? थीटा बाई टू हो जाएगा, इतना ही बस अंतर आता है। यानी अब मान लीजिए वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा इसी के बेसिस पे, तो लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। क्यों? देखिए यहाँ इस समय देखिएगा टू थीटा होता क्या हो जाता है? थीटा। तो थीटा है तो उसका आधा, जितना यहाँ रहता है उसका आधा हो जाता है फॉर्मूला में, तो यहाँ थीटा है तो उसका क्या हो जाएगा? थीटा बाई टू। तो इसी फॉर्मूला से हम उसे यूज करेंगे और आगे निकलने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टू ए स्क्वायर इन टू, इसके बदले क्या हो जाएगा? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। दोस्तों अब ध्यान से देखो, आर बराबर देखो ध्यान से गौर से, दू दू है रूट में से, दो बार दू है तो ए दू बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है ए का तो ए बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू है, जैसे रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा रहता था क्या करते? कॉस थीटा, यही ना होता बाहर? अभी कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू है तो कॉस थीटा बाई टू बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा बाई टू। दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग अब इस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो सिंपल सा 2a cos थीटा बाई टू करके निकाल सकते हैं, और ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आपको दे देता है कि प्रूफ कीजिए कि जब दो इक्वल वेक्टर है तो r हो जाएगा 2a cos थीटा बाई टू, या कहेगा 2b cos थीटा बाई टू, क्योंकि a लिए तब a के बदले उस समय b ले लिए रहते तो 2b cos थीटा बाई टू आता। तो ये आपको कहेगा प्रूफ करने के लिए कभी कभी डायरेक्ट, ठीक, या कहेगा दो इक्वल, तो आप देखो दो इक्वल वेक्टर आपको दे दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, दोनों के बीच एंगल के आधा करके तब कॉस रख देना, मैंने 60 डिग्री दिया था 30 डिग्री हो जाएगा कॉस 30, और ए जो दिया रहेगा दोनों में से वो वेक्टर बराबर वेक्टर रहेगा तो यहाँ रख देंगे गुना कर देंगे रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो ये एक तरीका, इसको भी आप केस 4 में नोट कर लीजिएगा, और ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए देता तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों अभी आज की बात जो हम लोग करेंगे तो इसमें जितने हम लोग को रिक्वायर्ड था रिजल्टेंट से लेके और नोटेबल पॉइंट तक, हमने सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दिया, अपेक्षा करते हैं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन भी कर लो, बहुत अच्छा नोट्स भी बन जाएंगे हम लोगों का, ठीक। और आपको अगर बातें समझ में आती तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हम लोग मिलके एक अपना अच्छा कम्युनिटी बना सके और हम सब मिलके आगे बढ़ सके। हम सब का मोटो ऐसा है कि हम सब एक मिडिल लो फैमिली से आए हुए रहते, तो हम सब का मोटो है कि हम लोग को आगे निकलना है तो साथ करेंगे काम, तभी जाके बढ़ेंगे आगे, है ना। और आप लोग भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग शुरुआत ही किए हैं, तो शुरुआत किए हैं तो अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर देखिए मेहनत करते जाइएगा, आँख मूंद के काम करते जाइएगा, है ना, मेहनत ज़रूरी है। मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो मेहनत आप लोग करोगे अपने आप अंदर में एक कहते हैं नॉलेज जैसे जैसे आते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते चला जाएगा, है ना। और कमज़ोर कोई नहीं होता, यही सच्चाई है, जो मेहनत करता है वो मजबूत है और आगे बढ़ता है, जो अच्छा भी है मजबूत भी है मेहनत नहीं करता समझो उसका कल्याण है, ऐसा कुछ भी नहीं होना कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया। तो कमज़ोर कोई भी नहीं होता, सबको मेहनत करना है मन लगा के और सबको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आपको अगर कोई डाउट रह जाएगा तो फिर आपको हम बार बार बोलते हैं कि आपके पास 8825161664
आपके पास कॉन्टेक्ट है, घर बैठिए आराम से और जम के पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट बनाइए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।